हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो लीडर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सभी चारों कंपनी की वैल्यूएशंस आउटलुक पर बात करेंगे। इंडस्ट्री के ऊपर और सेक्टर के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसका वीडियो मैं ऊपर आई लिंक पर है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जल्दी एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। पर कैपिटा गैस कंज्यूम जो करते हैं इंडिया, वो सबसे लोवेस्ट है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। पॉल्यूशन की वजह से क्लीन फ्यूल के ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। पेट्रोल और डीजल का कंजप्शन को धीरे धीरे कम करने के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। किसी भी कंपनी को नए स्टेट में कहीं पर भी नया सीएनजी स्टेशन खोलने के लिए बिडिंग करनी होती है, जिसको कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड कंडक्ट करता है। अभी तक 10th राउंड की बिडिंग हो चुकी है, जो 2019 में हुई थी। किसी भी कंपनी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो पर्टिकुलर एक ही स्टेट के अंदर उनको काम करना है। जहाँ पर भी बिडिंग कंपनी जीत जाती है तो वहाँ पर वो अपना वर्क स्टार्ट कर सकती है। सीएनजी और पीएनजी का जो सबसे ज़्यादा यूज़ है, एक बार वो देख लेते हैं। जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वहाँ से 23% आता है, उसके अलावा बसेस 6%, ऑटो रिक्शा 47% एंड कैब एंड टैक्सी से 23%। आने वाले फ्यूचर में जैसे सीएनजी व्हीकल्स की जो सेल्स बढ़ेगी तो उसका कंजप्शन जो सीएनजी है वो भी बढ़ेगा। इसी तरीके से एक बार जो दूसरा पीएनजी है उसका भी देख लेते हैं। एक बार फर्टिलाइजर 44%, उसके अलावा पावर 27%, पेट्रोकेमिकल 10% के आसपास, रिफाइनरीज 21% के आसपास एंड अदर 19%। जब जब ये फर्टिलाइजर सेक्टर, पावर सेक्टर ये अच्छा करेगा तो इनका जो कंजप्शन है वो बढ़ेगा और पीएनजी की जो सेल्स है वो भी बढ़ेगी। और अब देखते हैं किस किस स्टेट के अंदर कितने सीएनजी स्टेशन है। हमको उन स्टेट्स के ऊपर ध्यान देना है जहाँ पर सीएनजी स्टेशन सबसे ज़्यादा हैं और वहाँ पर कौन सी कंपनी वर्क कर रही है। जैसे दिल्ली एनसीआर, नोएडा गाज़ियाबाद में 450 सीएनजी स्टेशन है, गुजरात के अंदर 470 के आसपास हैं, फिर नेक्स्ट महाराष्ट्र। तो इन कंपनीज यहाँ पर किस किस की प्रेजेंस है एक बार वो देखते हैं। दिल्ली के अंदर IGL है, गुजरात के अंदर गुजरात गैस और अदानी गैस है, महाराष्ट्र के अंदर MGL है। और एक बार अब नंबर ऑफ सीएनजी स्टेशन देख लेते हैं। MGL के पास 256 स्टेशन अभी ओपन है, IGL 555, गुजरात गैस 401 और अदानी गैस 115। और जो पीएनजी की पाइपलाइन का जो नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा गुजरात गैस का है। और एक बार अब वॉल्यूम मिक्स देख लेते हैं। जो MGL है वो 72% CNG से उसका रेवेन्यू आता है, 28% जो है उसको PNG से आता है, वो डोमेस्टिक हो चाहे वो कमर्शियल हो। ऐसे ही IGL 73% और गुजरात गैस जो है उसका 15% CNG से आता है, लेकिन 84% जो है वो PNG से आता है। और इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो यूज़ है वो इंडस्ट्रियल उसका है। जब भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगी, जो हमने पहले वाले उसमें देखा था फर्टिलाइजर में, पावर में, रिफाइनरी में, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड होगा वो गुजरात गैस होगा। अदानी गैस के अंदर CNG और PNG का जो कंट्रीब्यूशन आता है वो 50-50% आता है, लेकिन अदानी गैस के जो नंबर ऑफ CNG स्टेशन है और जो पाइपलाइन है PNG की वो भी काफ़ी कम है। लास्ट 5 ईयर का स्टॉक का परफॉर्मेंस देख लेते हैं सभी का, IGL, MGL, गुजरात गैस और अदानी गैस का। जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है वो IGL ने दिया है। इसके पीछे ये रीज़न ये है कि कंपनी के पास सबसे ज़्यादा भी CNG स्टेशन ओपन किए हुए हैं। कंपनी ने बहुत ही जल्दी अपने आप को एक्सपेंड किया है दिल्ली NCR के अंदर। और अब सभी कंपनियों का एक बार वैल्यूएशन देखते हैं। MGL का P जो है वो 12.37 है, प्राइस टू बुक 3.32 है,
कंपनी का आरओई भी बहुत ठीक है, कंपनी पे थोड़ा डेट भी है और कंपनी की नेटवर्क भी ठीक ठाक है। वैल्यूएशन वाइज जो सबसे अच्छी कंपनी है वो इसमें अभी इस टाइम हम कंपेयर कर रहे हैं तो एमजीएल आ रही है। और इंडस्ट्रियल पीएनजी के ऊपर ध्यान देंगे, जब इंडस्ट्री में अच्छा होगा तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड होगी वो गुजरात गैस और अदानी गैस है। अदानी गैस के ऊपर हर क्वार्टरली रिजल्ट्स और कंपनी में क्या अपडेट्स हो रहे हैं हमको उस पर कंटिन्यू देखना होगा। आई होप आपको इंडस्ट्री को समझने में इन वीडियो से हेल्प मिली होगी, और इंडिविजुअल कंपनी के बारे में भी हमने सभी के बारे में डिस्कस किया है। अगर आप इन कंपनीज में पहले से इन्वेस्टेड हैं तो आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने में थोड़ी हेल्प मिली होगी, और फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पे नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।